नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जेंडर बजट के बारे में। हम देखते हैं किसके बारे में, जेंडर बजट के बारे में। बजट क्या होता है? बेसिकली लेखा जोखा होता है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं, केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में जेंडर बजट आवंटन में 38.6% की अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्शाई गई है। केंद्रीय बजट 23-24 में कुल जेंडर बजट का हिस्सा जो 23-24 था उसमें 5% था। अंतरिम बजट जो अब की बार जारी किया गया है 24-25 में, इसे बढ़ाकर 6.5% किया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जैसी महिला विशिष्ट योजनाओं का आवंटन काफ़ी बढ़ाया गया है। जेंडर बजटिंग के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर जेंडर बजट होता क्या है, इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों को अलग अलग जेंडर की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर दक्षतापूर्वक एकत्र व खर्च किया जाए। भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत 2005-06 में हुई थी। यह महिलाओं के लिए अलग बजट बनाने का संकेत नहीं देता है, वास्तव में यह महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। इसमें मोटे तौर पर दो भाग शामिल हैं। भाग ए में ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए हैं। भाग बी में वे सभी कार्यक्रम शामिल हैं जहां कम से कम 30% बजटीय आवंटन महिलाओं के लिए है। उल्लेखनीय है कि जेंडर बजटिंग मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। उल्लेखनीय है कि जेंडर बजटिंग मिशन शक्ति उपयोजना जो सामर्थ्य के अंतर्गत आता है। मिशन शक्ति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। मिशन शक्ति क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। मिशन शक्ति की अन्य उपयोजना संबल है जो महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देती है। जेंडर बजटिंग के लिए नोडल एजेंसी केंद्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसी तरह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का संबंधित विभाग राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिला स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों विभागों को जेंडर बजट सेल स्थापित करने का निर्देश जारी किया हुआ है। जेंडर बजटिंग में सामना की जाने वाली चुनौतियाँ, आखिर चुनौतियाँ क्या हैं जेंडर बजटिंग में? अलग अलग हितधारकों के बीच समन्वय की कमी है। दूसरा पॉइंट, जेंडर आधारित विश्लेषण का अभाव है। और तीसरा पॉइंट, जेंडर आधारित डेटा संग्रह में विशेषज्ञता का अभाव है आदि। जेंडर बजटिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसमें हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय नीतियाँ, कानूनी ढांचे आदि का जेंडर आधारित विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जेंडर अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए बजट आवंटन की पर्याप्तता का आकलन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जेंडर आधारित प्रभाव आकलन, लाभार्थी आवश्यकताओं का आकलन व उसे बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद।